अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज संडे ब्लॉग्स का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह से देखें, ये कबूतर बाजरा वगैरह खा रहे थे, पानी वगैरह पी रहे थे, तो मैंने ये भी शूट कर लिया। सुबह सुबह का वक्त था और मैंने कहा चले जी आज ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो आज माशाल्लाह ब्लॉग्स मेरी काफ़ी बड़ी होने वाली है, जिसकी वजह से मैंने फिर पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड कर दी है, ताकि मेरे सर जो भाई बहन हैं वो बोर ना हो जाएं इस वजह से। लेकिन है दिलचस्प, आज की व्लॉग्स में बहुत सारी बातें हैं, तो आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। तो आज के व्लॉग्स में ये देखें कि मरीहा आज साइकिल पे घूम रही थी, मस्ती मजाक कर रही थी, और काफ़ी कारनामे आज इसने ऐसे किए हैं कि मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो आपने देखना है कि आज इसने क्या कारनामा किया है। और साथ साथ मैंने कुछ कपड़े भिगो दिए थे मरीहा के, धोने थे मुझे, तो मैंने कहा चलें भिगो दूँ। और फिर मैंने कहा हाथ से फटाफट निकाल लेती हूँ, मशीन कहाँ लगाऊँ, संडे का दिन था, रोज़े भी थे, तो परेशानी हो जाती बहुत। इस वजह से मैंने हाथ से फटाफट से थोड़े से कपड़े मरीहा के धो लिए। और सवेरा से मैंने कहा कि रस्सियों पर फैला दे, और साथ साथ ही दूसरे काम कर रहे थे, इतने में मरीहा को ढूंढ रही थी, मरीहा कहाँ गुम हो गई। तो देखें जी वो क्या कारनामे करी, वो तो फ्रिज में जाकर छुपी हुई थी, सबसे अलग जगह इसने ढूंढी है फ्रिज में छुपने की। मरीहा कहाँ छुपी हो, चलो बाहर आओ, बाहर निकलो, चलो मरी जल्दी खड़ी हो। ये इसके कारनामे, ये फ्रिज में घुस के छुप गई थी, तो मैं कब से इसे ढूँढ रही हूँ, कहाँ गई। तो ये मैं बनाने वाली थी ना आज चिकन कॉर्न, न्यू रेसिपी, यूनिक सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली थी। तो मैंने कहा चले आज ब्लॉग्स बना रही तो उसके साथ ही शेयर कर लूँ। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून करीब ऑयल ले लिया था और डाल दिया इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, तो ज़ीरा हल्का सा भून गया। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिकन, चिकन मैंने लिया था 1/2 पाव के करीब, और मैंने इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, ताकि जो तेल में और ज़ीरे में अच्छे से हमारा चिकन है ना, इसमें स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये मैं इसको भुनने लगी थी, और साथ साथ फिर मैंने ना बच्चों को कहा कि आप नमाज़ वगैरह भी पढ़ लो, कुरान शरीफ़ वगैरह की तिलावत वगैरह करें। और मैं जल्दी जल्दी किचन में इसलिए आती हूँ, कभी गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लोड शेडिंग, इस वजह से मैंने कहा जो काम बनता है फटाफट से कर लूँ। तो ये यूनिक सी रेसिपी बनाने वाली थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी रेसिपी है, तो मैं आपसे आज के ब्लॉग्स में ये शेयर करूँ। तो किचन सॉरी चिकन हमारा हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज़ एक मीडियम साइज़ की काट ली थी, और एक मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, और एक गाजर ले ली थी मैंने, इसे भी इसे लंबी लंबे सिलेंडर शेप में कट कर लिया था, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस इसका क्रंच पन बाकी रखना है, हमें बिल्कुल इसे पकाना नहीं है, इसमें क्रंच बाकी रहेगा तो ये हमारे जो कॉर्न है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, न्यू न्यू रेसिपी हम जब ट्राई करते हैं, बच्चों को बना के देते हैं, तो बच्चे बड़े शौक़ से इंजॉय करते हैं। और तो फिर रमज़ान के महीने में बनता है कि हम बनाएं भी बच्चों के लिए। तो फिर अब मैंने इसमें ऐड कर दी थी एक ना मिर्च, हरी मिर्च कट करके, और ये मैंने स्प्रिंग ओनियन के ग्रीन पार्ट्स डाल दिया था थोड़ा सा, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स डाल दी थी, और थोड़े से मैंने डाल दिया था गरम मसाला, थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला, और 10 पिसे का नमक डाल दिया था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप इसमें से गरम मसाला है, हरी मिर्च है, वो स्किप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनता, नॉर्मली बनता है, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये सब मैंने ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया पानी थोड़ा सा, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो लगे नहीं और जले नहीं, और चिकन के क्यूब्स जो हमारे थे छोटे छोटे थे कि वो इसी में फ़ौरन से गल जाएंगे, हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया सोया सॉस, थोड़ा सा डाल दिया था चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फिर हम जो इसमें नेक्स्ट काम करेंगे स्मोकी सा, तो हमारा जो चिकन कॉर्न बन के रेडी होंगे स्मोकी स्टाइल में बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जब मैंने ये बनाई रेसिपी तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई थी, तो फिर वापस मैंने आपसे शेयर की कि मैं आपसे भी ये रेसिपी को शेयर करूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया था,
और थोड़ा सा पुदीना भी मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया। धनिया पुदीने से जो हरा भरे हमारे कोन बनेंगे और कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे जो कोन बनेंगे उनका। तो ये लगभग हमारा जो फ्री फिलिंग थी हमारी बनके रेडी हो गई थी। फ्लेम कर दिया ऑफ और फिर मैंने ये 1.5 कप के करीब मैंने ले लिया मैदा। इसमें मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ऑयल और फिर इसे बस नॉर्मल जो आटा हम गूंथते हैं इस तरीके और इसे मैंने गूंथ लेना था बस है ना इस तरीके से जिस तरीके से हम आटा नॉर्मली गूंथते हैं। तो ये आटा मैंने गूंथ लिया था अच्छे से और फिर मैंने इसे 5 मिनट तक रेस्ट पर रख देना था ताकि अच्छे से आटा जो हमारा पड़ा रहेगा तो फिर अच्छे से हम हमारे कोन रेडी कर सकते हैं क्योंकि हमें 5 मिनट तो रेस्ट पर इस पर रखना ही चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे रेस्ट पर रख दिया और साथ ही साथ मैंने काउंटर भी साफ कर लिया अच्छे से। और फिर मैंने ले लिए थी मैंने बनानी थी कैरेमल पुडिंग तो ये मैंने रेडीमेड इस दफ़ा ले ली थी। अभी बनानी थी मुझे घर पर ही पुडिंग लेकिन वो मैंने सेकंड अफ्तार में बना ली थी तो आज मैंने ना रेडीमेड पुडिंग ले ली थी कैरेमल वाली। तो ये कैरेमल के साशेज के साथ इस तरीके से मिल जाते हैं तो मैंने कहा ये इजी रहता है इसी में। फिर मैंने कैरेमल का साशे खोल कर बाउल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया था इस तरीके से। फिर स्पून की मदद से हम इसको फैला लेंगे अच्छे से। ये बहुत अच्छा हो जाता है कि इजीली हमें बाहर से मार्केट से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो हमें जब झटपट बनाना हो अफ्तारी में टाइम कम हो तो हम इजीली बना सकते हैं। तो मैंने स्पून की हेल्प से इसको चारों तरफ फैला दिया था बाउल में। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और ये दूध मैंने ले लिया था 1/2 kg के करीब था। पहले से बॉईल किया हुआ था ये दूध फिर मैंने इसमें जो साशा हमारा पुटिंग का था वो मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा ना पका लिया ठीक होने तक। चमचा चलाती गई तो ये ठीक हो गया। तो फिर इसमें ठीक होने के बाद मैंने ना इसे बाउल में ट्रांसफ़र करके जमाने के लिए रख देना था ताकि ये अफ्तारी तक अच्छे से सेट हो जाए। तो गाढ़ापन इसमें आ गया था देखें आप। अब इसे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी तक कि अच्छे से ठंडा हो जाए बाउल हमारा पुटिंग वाला। फिर मैं इसमें फ्रीज़र में रख दूंगी ठंडा होने के लिए ताकि अफ्तारी तक ये अच्छे से सेट हो जाए। और एक तरफ ये हमारा ना मैदा भी सेट हो चुका था तो फिर मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए। मतलब छोटे छोटे पेड़े हमें चाहिए थे हमें जो हमारी रोटी है ना पतली सी देनी थी ताकि कोन हमारे बहुत अच्छे बने बहुत ज़्यादा मोटे ना बने। तो काउंटर भी साथ साथ में साफ़ कर दी गई और फिर मैंने इस पे पेड़ा बेल लिया थोड़ा सा डस्ट करके मैदा। ये देखें मैंने रोटी बेल ली और मैंने ये रोटी कितनी पतली सी बेली है आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसको कटर की हेल्प से बीच में से कट कर लूँगी। सॉरी पहले मुझे इसे सेकना है। हाँ इसे लगभग मैं थोड़ा सा जैसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए सेकना है आगे पीछे। जैसे मैंने आपको हमारे लच्छे फ्रोज़न पराठे में बताया था शायद इस तरीके से बस है ना नाम का सेकना है जब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। नाम का सिर्फ सेकना है 1 सेकंड के लिए इस तरीके से। देखिए सारे मैंने 1-1 सेकंड में सेक ली और इसके बाद हमें इसे कटर से कट करना है। तो ये ठंडी हो चुकी हैं सारी हमारी रोटियां जो हमने रेडी की थी। और ये फिलिंग मेरी थी ना इस पर मैंने एक यूनिक सा स्टाइल से काम ये करना था। इस पर मैंने कोयला रख कर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसमें मुझे स्मोक करना था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे कवर कर दिया। तो इसमें जो कोयले का धुएँ की जो खुशबू आएगी तो बहुत ही लाजवाब हमारे कोन बन के रेडी होंगे। तो ये देखें मैंने इसमें स्मोक कर दिया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और फिर लास्ट में मैंने ना रोटी को उठाया एक और फिर मैं इसे कटर से कट कर लूँगी बीच में से बराबर करके दोनों साइड से नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए।
मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, आप नॉर्मली घर में नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये देखें दो पीस हो चुके हैं, इस तरीके से मैंने दो पीस कर लिए हैं। अब सभी के मैं इस तरीके से पीसेस कर लेती हूँ। देखें मैंने सबके सही से पीस कर लिए हैं। और ये मैंने मैदे का बैटर बना लिया था, थोड़ा सा मैदा और पानी डाल के। तो ये हम इसकी साइड पर इस तरीके से लगा लेंगे जो हमें कोन रेडी करना है। तो आप गौर से देखिएगा मैं कोन किस तरीके से बना रही हूँ। ये बच्चों को बड़े ही पसंद आएंगे, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे जो आप ही उनकी स्टाइल में ये रेसिपी को बनाएंगे। इस तरीके से सारे फोल्डिंग करके लास्ट में फिर इसमें मैं थोड़ा मैदा वापस से बटर लगा लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से हमने कोन बना के इसको साइड पर थोड़े सी है ना वो मैदा लगा के इस तरीके से पैक कर लेना है। तो ये हमारे कोन इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। और ये मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। और मायोनीज़ हमें लाजमी इसमें ऐड करना है ताकि जो फिलिंग है हमारे कोन से बाहर को नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैंने मायोनीज़ भी इसमें ऐड कर दिया। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है मायोनीज़ से, तो आपने भी इसको ज़रूर डालना है। और चाहे तो आप इसमें चीज़ का भी ऐड कर सकते हैं, चाहे मोज़रेला हो या चाहे चेटर चीज़ हो, आप इसमें उसका भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्मोकी सी चिकन हमारी बनेगी, चिकन कॉर्न। बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और यूनिक सी डिश भी हो जाएगी रमज़ान में। तो ये मैंने कॉर्न उठाया और इसके अंदर मैंने डाली फिलिंग जो हमने बनाई है। बच्चों ने तो दोबारा फरमाइश करके ये बनवाई थी, मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो उन्हें बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा मामा वापस बनाना। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने ट्राई की थी कि मैं कहा देखूँ किससे कैसा बन रहा है, अच्छा बने तो फिर मैं नेक्स्ट बनाऊँ, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। तो बच्चों ने वापस फरमाइश के थ्रू ये बनवाया। तो ये देखें मैंने अंदर फिलिंग ऐड कर दी है सारी। तो अब इस पर मैं जो ये मैंने मैदे का जो बैटर बनाया था इसको अच्छे से चारों तरफ हमें लगा देना है इस तरीके से, ताकि कि हम इस पर सीवियों की जो कोटिंग करेंगे तो वो अच्छे से कोटिंग हो सके। तो ये देखिए साइड के किनारों पे भी थोड़ा थोड़ा मैं मैदा डस्ट इस तरीके से लगा रही हूँ जो बैटर बनाया था। तो ये मैंने सेवैयाँ ले ली हैं जो हम अक्सर बनाते हैं मीठी, तो इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। जहाँ जहाँ मैदा हमने लगाया हुआ है तो ये अच्छे से इस तरीके से सेवैयाँ से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ मैदा लगा होगा तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते, तो ये देखें मैंने फिलिंग सारी अच्छे से कर ली है। इस तरीके से मैं सारे कोन बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें सारे कोन हमारे बनके रेडी हो गए हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से ये बने हैं, कहीं से बिखरे नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं हुए और बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें मैंने ऑयल गर्म रख लिया है और इस पर मैं सारे कोन एक एक करके डाल दूँगी। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी व्लॉग्स वीडियो, कुकिंग वीडियो, फ़नी वीडियो सब आपके लिए लेकर आऊँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अगर बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये देखें हमारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं जहाँ स्पेस था तो मैंने और भी इसमें डाल दिए, कलरफुल हो गए हैं बिल्कुल। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे हमारे रोल बन के फ्राई हो गए हैं और अफ्तारी का टाइम भी हो गया है नज़दीक। बच्चों को मैंने कहा कि चलें जी तैयारी करें इफ्तार की, साथ साथ मैं व्लॉगिंग का भी इख्तिताम करूं। और जो मैंने कैरीमल पुटिंग बनाई थी वो भी हमारी अच्छे से जम गई थी, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने आपको दिखाना था कि भी माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास से जम गई थी और हमारे कोन भी माशाल्लाह से बनकर अच्छे से रेडी हो गए थे। तो आज की अगर आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से बड़े परफेक्ट जमी थी। ये देखें आप मुझे अच्छे से फीडबैक देंगे, अच्छे से कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके लिए एक से एक नई से नई वीडियो बनाकर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी कम से कम बजट में। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी फुटिंग बनकर रेडी है। तो आज की व्लॉगिंग करते हैं इंतजाम, नेक्स्ट वीडियो के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।